नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, मैं कन्हैया धाकर गंगेश्वर जहरमुत जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगले वीडियो में हमने गोपाल जी भाई सुथरिया का परिचय जाना था और वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से जैविक खेती में आगे बढ़ रहे हैं, चला रखी है। सारे विवरण हम इस वीडियो में जानेंगे। उस वीडियो में उनका परिचय था। और दोस्तों, किस तरह से जैविक खेती कर सके संभव हो सकती है और किस तरह उससे गौशाला के लिए, आप लिए पशुओं के लिए चारा, हरा चारा जो अपन पूरी तरह से जैविक उत्पादन कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में आपको बराबर मिलेगी। तो बने रहिए इस वीडियो पे और देखते हैं बंशी गौशाला में किस तरह से पशुपालन और जैविक खेती हो रही है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जो दोस्त चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, तो उसके लिए घास चारा चाहिए सबसे श्रेष्ठ, कि होता है तो सुपर होकर रहना है। तो ये मिट्टी हमारी पुराण करी हुई मिट्टी है, फिलिंग करेगी, तो गौशाला और ये ऊपर रखना था। तो हम बाहर गांव थे तो चूने और मड़िए वाली मिट्टी का फिलिंग हो गया था। 7.5 साल पहले गौशाला इधर शिफ्ट करी, पहले दूसरी जगह थी। तो फिर कृषि वैज्ञानिकों ने, जो सॉइल साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि गोपाल भाई यहाँ पे ये पेड़ पेड़ सब लगा रहे हो लेकिन कोई बड़ा पेड़ भी 10-15 फीट से ऊपर जा ही नहीं सकता। यहाँ इस मिट्टी में कुछ नहीं होगा, ना घास अच्छे से होगा, ना सब्जी होगा, कुछ नहीं होगा। बोले ठीक है, अभी तो हो गया कोई नहीं अभी। और नीचे वाली मिट्टी आ गई थी, उसको तो डेवलप करने के लिए कई साल चले जावे। तो फिलिंग वाली मिट्टी थी, चूने वाली मतलब गुजरात की सबसे कमजोर मिट्टी इसको बोलते हैं। तो उस मिट्टी पे हमने जब गाय माता का गोबर और ये गौकृपा अमृतम कितने लोगों को पता है? अच्छा ठीक है, तो अपन ने एक पद्धति तैयार करी कि 7 दिन में ही यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड बंद हो सकता है और वो गौकृपा अमृतम डालते ही वो एक्टिव हो जाती है जमीन और गोबर। तो गोबर और गौकृपा अमृतम का एप्लीकेशन किया, ये बरगद और पीपल जो है वो 7.5 साल में इस साइज के हो गए, जो एकदम मतलब ऐसे कह सकते कि पृष्ठभूमि में भी नहीं हो सकता है, उतना गति से इसमें बढ़ गए। तो वही उन्हीं साइंटिस्टों ने जब देखा, बोलते नहीं अभी गोपाल भाई कुछ भी कहीं पर भी हो सकता है। ये घास जो काट रहे आपके लिए गठाने काट रहे, वो लोग शाम को लेके जाने के लिए आपको सबको थोड़ी थोड़ी पेट यहाँ से हम देना चाहेंगे प्रसाद के स्वरूप में। तो ये घास लगभग 70 से 75 दिन की है। अभी 70-75 दिन में ये साइज का घास इसी मिट्टी में हमने तैयार करा, बहुत अच्छी पंक्ति बिल्कुल। और इसको हम चाप कटिंग नहीं करते, आप गौशाला में जाकर के देखना, हम कुट्टी नहीं करते। तो गौकृपा अमृतम और गोबर जब मिला तो कौन सी भी मिट्टी, काली, चिकनी, रेतीली, लाल, हमने भारत में 22 राज्यों में सभी मिट्टी में काम कर चुके, इंस्टेंट बदलता सभी पानी। 2000 TDS में आम के पेड़ नहीं होते, हमने 3500 TDS चार साल घास में कहीं आपको यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड की कमी दिख रही है क्या? इसमें बीज भी आते हैं सर? हाँ, गांठे होती है, बीज से जल्दी नहीं होगा अवेलेबल, लेकिन गांठे हम सबको दे देंगे यहाँ से हर एक प्रत्येक को हम 50 गांठे फ्री निशुल्क देते हैं पूरे भारत भर में। 250 गौशाला वालों को निशुल्क देते हैं और अति सेवा रहती है उनको, फिर कोई लिमिट नहीं रहता है। तो ये इस घास को देने के बाद ये नेपियर वेराइटी है, नेपियर ये पुराना जो जंगलों में हाथी घास होता था उसका बाजरे का और दूसरे कॉम्बिनेशनों के साथ वो होता है, एक फैमिली के जो होते हैं उनके साथ में। पर हमने 1.25 साल से हमारी गौ माताओं को सूखा चारा नहीं दिया है, जीरो, सिर्फ इसी घास के ऊपर 1.25 साल से है। इसी घास का अगर सूखा चारा अपन खरीदने जाएंगे तो 10 से 16 रुपए किलो होता है ना, ये 50 पैसे किलो पड़ता है हमें, और अगर आप किसान खुद काटेंगे तो 25 पैसे किलो पड़ता है। अब आप सोचिए, और मैं गाय की हेल्थ दिखाऊंगा, स्वास्थ्य आप देखिए, महसूस कीजिए कि ये मैं जो बोल रहा हूँ फील्ड पे दिखता है, कुट्टी भी नहीं करते। तो जब बैक्टीरिया दिया गौकृपा अमृतम तो ये घास रस वाला हो गया। तो वो अपन फील्ड पे भी गौशाला में जाकर के देखेंगे, ये सब्जी उगाया हुआ है, तो माननीय बाबू भाई और उनके संग बच्चे यहाँ पे सीखते हैं। तो ये सब्जी वगैरह सारा आप हेल्थ देखिए, यहाँ पे कोई भी यूरिया पेस्टिसाइड कुछ नहीं लगाता। तो जटिल से जटिल सब्जी, भिंडी है हर 2 दिन पे पेस्टिसाइड लगता है, तो यहाँ पे उसकी जगह पे ये बैक्टीरिया देते हैं। तो भिंडी हमारी 9-10 फीट तक ऊंची जाती है और स्वाद इतना गजब होता है, 200 ग्राम भिंडी कच्चा खा सकते हैं बिना सब्जी के।
अभी तो वो नया आएगा तभी होगा। और दो जन को यहाँ से मेरे ख्याल से मैं शतावर जो अपन औषधि के स्वरूप में शतावर उपयोग करते हैं, तो बाउंड्री पे आप शतावर गाय को लगा सकते हैं। तो वो कैसे उसका उत्पादन आ सकता है शतावर का, तो एक शतावर का पौधा ही इतना पौड़ा और इतना बड़ा हो चुका है। तो गए साल हमने एक शतावर का जड़ निकाला था तो 30 से 35 किलो निकला था। तो कौन सी भी फील्ड में गाय माता का गोबर गया कुछ भी संभव है, बस उसको हमारी एक पद्धति समझने के लिए मैंने इसीलिए आपको विनती किया था कि कुछ घंटे मुझे एकदम शांति से दे दीजिए। राजस्थान और गुजरात में गौ माता की थोड़ी सेवा हो रही इसलिए वो सुखी है थोड़े, बाकी जैसी गौ माता की स्थिति वैसी स्थिति है। केरल पश्चिम बंगाल बहुत अच्छी भूमि है, बहुत बारिश है, लेकिन गाय का सबसे ज्यादा वहाँ पे हत्या हुआ है। तो आप देखिए मानसिक से लेके क्या स्थिति है। इसीलिए हमारे पास गौ माता है वो स्वाभिमान से हम कैसे खड़े, और हम स्वाभिमान से इस प्रकार खड़े हो कि शहर का रसी उड़ जाए, हमारी अगली जनरेशन कृषि करे, गाय रखे, लेकिन कब रखेगी, उसका मानसिक शारीरिक आर्थिक सारी आपूर्ति अच्छे से हो जाए, उसके वैज्ञानिक पक्ष सभी समझे। इसीलिए मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने का प्रयत्न करता था। तो ये सब्जी वगैरह